आज जनेश्वर मिश्र प्रखर समाजवादी नेता रहे, उनका जन्मदिन है। किस तरीके से आप लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की, उनको याद किया? आज छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र जी के जन्मदिन पर हम लोहिया पार्क आए, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनका जो आचरण था, जो उनका जो लोगों के प्रति सोच थी, उसको जीवन में अपनाने का संकल्प लिया गया। सरकार इस समय जिस तरीके से लोगों को सुविधा उपलब्ध कराने के कोरोना के बीच में दावे कर रही थी, उसके बीच में तमाम लगातार शिकायतें आ रही हैं कि कोरोना मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है और कोरोना की लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, आपका क्या कहना है? बिल्कुल सच आपने कहा, कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इनके यहाँ कोरोना जांच की जो है आज तक भी संपूर्ण से सुरक्षा नहीं मिल पाई। कभी कभी तो ऐसा देखा जा रहा है कि जो कोरोना का रोगी नहीं है उसको भी जांच जो है पॉजिटिव आ जा रही है। तमाम मैंने आपके चैनलों के माध्यम से देखा कि निगेटिव व्यक्ति का जो है पॉजिटिव आ जा रहा है और जाँच के नाम पर आज भी जो है अगर पूरी तरह से जाँच कर दी जाए तो हमारे देश में जो है मरीजों की संख्या 1 करोड़ के पार कर जाएगी। और सरकार जो है चारों तरफ से फेल है, कोरोना के जांच के नाम पर फेल है, कोरोना को रोकने के नाम पर फेल है, रोजगार देने के नाम पर फेल है, मजदूरों को काम देने के नाम पर फेल है, किसान आत्महत्या कर उसके सवाल पर फेल है, बेरोजगारी के सवाल पर फेल है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है, बच्चों की पढ़ाई पर फेल है। शहर में बहुत लोगों के पास लैपटॉप होगा जो उससे पढ़ने काम करते होंगे, लेकिन देहात में जो है जो 1 से लेकर इंटर तक के बच्चे हैं उनके घर में सुविधा उपलब्ध नहीं है, वो आप ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी किस तरीके से होता जा रहा है, समाजवादी पार्टी किस तरीके से लोगों की मदद कर रही है? समाजवादी पार्टी जो भी लोग अपने घरों के लिए चले, अगर रास्ते में उनका जो है मृत्यु हुआ तो समाजवादी पार्टी हर परिवार को जो है सांत्वना देने के लिए 1-1 लाख रुपये उनके घर पहुँचाने का काम किया था। समाजवादी पार्टी का 1-1 कार्यकर्ता गाँव स्तर का कर्ता जो है गाँव में कोई भूखा न रह जाए उसके लिए संकल्पित भाव से जो है वो गांव में लगा हुआ था और हर आदमी को जो है भोजन और पानी उपलब्ध करा रहा था।